सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। आखिर कितना पैसा छोड़ गए हैं सिद्धू मूसेवाले अपने पीछे? जी हाँ दोस्तों, आखिर सिद्धू मूसेवाला कैसे और कितना पैसा कमाते थे पर मंथ, और आखिर कितनी थी उनकी नेटवर्थ, आइए बताते हैं आपको इस ही वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नोमर्जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। दोस्तों, पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले रविवार यानी कि 29 मई को कुछ गैंगस्टर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर कई सारे राउंड्स की फायरिंग हुई और इसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। हालांकि इन सभी चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सिद्धू मूसेवाला की कुल नेटवर्थ कितनी थी और वो अपने पीछे कितना पैसा छोड़कर गए हैं, एक कॉन्सर्ट का कितना पैसा लेते थे और साथ ही पर मंथ की उनकी कमाई कितनी थी। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की नेटवर्थ लगभग $4 मिलियन है, जो कि होते हैं अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की नेटवर्थ यानी कि जो वो पैसा अपने पीछे छोड़कर गए हैं वो लगभग 30 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि वो एक कॉन्सर्ट का कितना रुपया लेते थे, तो ये डिपेंड करता था कि कॉन्सर्ट कौन करा रहा है और किस जगह पर इसे किया जा रहा है, वरना जो इनका नॉर्मल रेट था वो लगभग 15 से 18 और कभी कभी 20 लाख रुपये पर कॉन्सर्ट का होता था। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वो एक सॉन्ग से लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए कमाते थे, तो वहीं वो लगभग एक महीने की जो उनकी इनकम थी वो अप्रॉक्स 35 लाख रुपए के बराबर थी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सिद्धू मूसेवाला अपने पीछे छोड़कर जा चुके हैं, और ऐसे में यहाँ पर उनकी पर मंथ की कमाई भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल गाइस, क्या आप लोग इन सभी चीज़ों को सुनकर शॉक हुए या फिर नहीं, मुझे जो कमेंट करके बताना। और क्या आप इतना ही एक्सपेक्ट करते थे सिद्धू मूसेवाला से या फिर इससे ज़्यादा या कम, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सभी जानकारी मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की है, तो यहाँ पर इसके ऑथेंटिक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।